हेलो फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज 1 नवंबर, नया मंथ चालू हो चुका है। आइए देखते हैं कि ओवरनाइट में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है और यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर इंडेक्स अभी है 111.33। ये जो करंट वीक है फुल ऑफ इम्पोर्टेंट इवेंट्स। कल है आपका FOMC रेट डिसीशंस, फॉलोड बाई 3rd of November आपका BOE रेट डिसीशंस एंड RBI स्पेशल मीट, देन 4th of November NFP डेटा। तो काफी मूवमेंट वॉलिटिलिटी एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग दिस वीक। अभी है डॉलर इंडेक्स आपका 111.32। अभी जो ये अप मूव मार रहा है, ये आपका ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर क्लोज देना नहीं चाहिए। अगर इसको सॉफ्ट होना है, अगर इसको फिर वॉलेटाइल बनाना है तो इसके ऊपर सस्टेन करेगा ये आज कल और परसों का, यानी ये जो हफ्ते का जो ओवरऑल मोमेंटम है उसमें अगर वॉलेटाइल बनना है तो इसके ऊपर जाके क्लोज देगा, देन हमारा जो कैलकुलेशन है वो निगेट कर सकते। So, देखते हैं और पेट हफ्ते में क्या क्या एक्टिविटीज होता है। डॉलर रुपी फ्लैटिश ओपन हुआ है, अभी आपका 82.74। यहाँ पर भी जो ये स्विंग हाई बनाना है, ये स्विंग हाई अगर पहले वाला स्विंग हाई दैट इज 83.30 को तोड़ दे देता है, इन सच केस पूरा का पूरा कैलकुलेशंस बिगड़ जाएगा। सो हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे हमें मेनली नजर देना है ये चाइनीज वन, ये काफी खतरनाक हो चुका है। अभी एक 7.3266 देयर आर हाई प्रोबेबिलिटीज ये जो चाइनीज युआन है ये इट इज हेडिंग टुवर्ड्स आपका 8.10। इन सच ए केस रुपी में बहुत ज्यादा प्रेशर रह सकता है। जीबीपी डॉलर अभी यहां पे कंसोलिडेट कर रहा है 1.15 में, जैसे कि हमारा एक्सपेक्टेशंस था प्रीवियस। यहाँ पे क्या था, ये जो पुल बैक है नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट है, ये रिट्रेसमेंट अगर 20 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेके फिर हाई को तोड़ता है इट विल बी कंसीडर्ड एज अ वेरी हेल्दी मूव। सो हमें आने इस हफ्ते में हमें देखना पड़ेगा क्या ये इसी के आसपास कहीं पे सपोर्ट लेके फिर हाई को तोड़ता है या नहीं। GBPINR में भी सिमिलर ऑब्जर्वेशन, क्या ये जो सेंटर बैंड जा रहा है 20 मूविंग एवरेज ये इधर रिट्रेसमेंट लेके फिर हाई को तोड़ता है या नहीं, वही हमें देखना पड़ेगा। सिमिलरली यूरो में भी हमारा वही एक्सपेक्टेशन था कि ये सेंटर बैंड में सपोर्ट लेके क्या फिर ऊपर की तरफ मार्च करता है या नहीं, वो हमें देखना पड़ेगा। दैट मीन्स ये अगर मार्च करता है एंड हाई को तोड़ता है तो रियली इट इज कंसीडर्ड एज अ वेरी गुड अप मूव। यूरो आईएनआर में भी सिमिलर ऑब्जर्वेशन, ये जो रिट्रेसमेंट या सेल ऑफ हो रहा है क्या ये सेंटर बैंड के आसपास सपोर्ट लेके फिर हाई के ऊपर जाके मूव करेगा या नहीं, अगर होता है तो बहुत ही बढ़िया एक अप मूव हम एक्सपेक्ट। डॉलर येन में अभी है 148.31, जैसे कि हमारा प्रीवियस एनालिसिस है कि ये जो ट्रेंड लाइन है ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके सस्टेन करना नहीं चाहिए, एंड ऑल्सो ये हाई जो है आपका 151.95 का उसकी तरफ अगर उसको हाई को चैलेंज करता है तो ये जो कैलकुलेशन है पूरा का पूरा निगेट हो जाएगा। हमें अभी हमारा ये ऑब्जर्वेशन है क्या ये दोबारा ये रिसेंट स्विंग हाई की तरफ जाता है या इसी के आसपास कहीं पे रेजिस्टेंस लेके वापस ये जो लो बनाया है 145 के आसपास 145.10 इसके लो के नीचे तोड़ता है, यानी अगर ये तोड़ता है तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ वेरी हेल्दी अप मूव। ENINR में आपका अभी है 0.5576, यहाँ पे डबल बटन बनाने के बाद एक अप मूव मारा था जो ये नेकलाइन को तोड़ नहीं पाया था। दैट मीन द केस यहाँ पे इस रेंज के अंदर में वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड रह गई। आपका डॉलर कैंडी में एक अच्छा हमने एक मूव देखा है कि ये जो यहाँ पे आपका नेकलाइन को टच कर गया दैट इज 1.353496 के यहाँ पे, उसके बाद एक अप मूव बढ़ा जो सेंट्रल रेजिस्टेंस लिया आपका सेंटर में, इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रख के वन में ट्राई टू शॉर्ट फर्स्ट अगेन 1.35 देन
towards the downward side, then up to 1.3250, then 1.3125. ऑस्ट्रेलियन डॉलर में आज एक रेट डिसीशन आया, अगेन क्वार्टर रेजिस्टेंस का रेट हाइक हुआ है। यहाँ पर भी हमें यही दे एक्सपेक्टेशंस देख रहे हैं कि ये जो रिट्रेसमेंट से क्या है, ये रिट्रेसमेंट सेंटरमेंट में सपोर्ट के फिर ऊपर जाता है यानी सिमिलर लाइन पे अगर होगा तो सब एक ही साथ में होगा। डॉलर इंडेक्स भी रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा एंड अदर करेंसी पेयर्स नीचे से सपोर्ट लेके फिर वापस ऊपर की तरफ जाएगा। CNH काफ़ी खतरनाक है, 7.32। इसमें अगर PBOC कुछ स्ट्रिक्ट डिसीशंस नहीं लेते हैं देन 8.10 की तरफ हायर एक्सपेक्टेशन एंड वी आर कंसर्न मेनली अबाउट द डॉलर की तरफ। यूके ऑयल में आपका फिर ओपेक प्लस मीटिंग होने वाला है, उसके ऊपर पूरा का पूरा नज़र है क्या फिर प्रोडक्शन कट्स करते हैं या नहीं। लेकिन यहाँ पे ये लो मारने के बाद प्राइस फिर आपका जो है वॉलेटाइल हो चुका है, एक जो रिदम है रिदम पे है नहीं, तो हमें थोड़ा सा फिर दोबारा इंतजार करना पड़ेगा। ये जो कंसोलिडेशन है कंसोलिडेशन से बाहर निकलने के लिए इधर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तब तक यहाँ पे ही आपका वॉलेटिलिटी क्रिएट करते रहे। यूएस 10-year ट्रेजरी 4.08 पे है अभी, कल ये आपका यहाँ पे ऊपर जाके गया था लेकिन एक इन्वर्टेड पिनवा टाइप का बना के फिर नीचे की तरफ आ रहा है। अभी आने वाले दिनों में आफ्टर आपका FOMC डिसीजन जो कल है उसके बाद ये क्या लो को तोड़ता है या फर्दर वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है ये हमें देखना पड़ेगा। अगर लो को तोड़ता है तो देन इट इज़ ए गुड इंडिकेशन कि आने वाले दिनों में थोड़ा सा सॉफ्ट हो सकता है। करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, आप सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद।